वेरिएबल्स विदाउट द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल यानी आपने दो ही वेरिएबल्स को यूज करना है और उनकी वैल्यूज़ को आपस में स्वैप करना है तो उसके लिए यहाँ मैंने एक प्रोग्राम लिखा है छोटा सा सबसे पहले आपने दो वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं आया वो ए बी होंगे सी डी होंगे या आपके पास एक्स वाई होंगे तो लैट से मैंने लिखे हैं ए एन बी और मैं उनको कह रही हूँ कि दिस इज इंटीजर टाइप डेटा कि दोनों वेरिएबल्स जो है फ्लो टाइप नहीं है फ्रेक्शनल पार्ट नहीं है सिर्फ इंटीजर टाइप डेटा है और उसके बाद फिर मैंने स्वैपिंग uh, के लिए वैल्यू साइन कर दी ए इज इक्वल टू बी बी इज ईक्वल टू ए मैं कोई थर्ड वेरिएबल यहाँ पर इनिशिएट uh, नहीं कर रही जिसको जिसकी जिसकी मदद से मैं जो है वो इन uh, वेरिएबल्स की वैल्यूज को स्वैप करूँ यानी ए को बी की वैल्यू दे दूँ और बी को ए की दे आई वेरिएबल तो ए इज इक्वल टू बी यानी ए को वो बी की इक्वल कर देगा बी को इक्वल कर देगा तो उसके बाद मैंने प्रिंट एफ की कमांड देनी है ऑब्वियसली प्रिंट एफ की कमांड कमार दी जाएगी कि आज जो ए की वैल्यू को बी की इक्वल करेगा तो उसको प्रिंट भी करेगा तो वैल्यू ऑफ ए जो है स्वैपिंग के बाद क्या बन जाएगी परसेंटेज डी यानी ये इंटीजर टाइप है ना बी की वैल्यू तो और स्लैश एन उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे स्लैश एन का मतलब ये है कि आपके पास ए uh, और बी के अलग अलग लाइन पर प्रिंट होकर आएगी ठीक है नेक्स्ट लाइन पे आपका प्रिंट आएगा उसके बाद आपने बी के बी के प्रिंट की कमांड देनी है वैल्यू ऑफ बी आफ्टर स्वेपिंग परसेंटेज डी एंड तो उसको हम बी से ही डोनेट करेंगे चले आप इस प्रोग्राम को हम करते हैं और इसकी हम आउटपुट देखते हैं क्या आउटपुट होनी है इसकी जी तो ये आप देख सकते हैं वैल्यू ऑफ ए आफ्टर स्वैपिंग क्या बन गई है सेवन ठीक है वैल्यू ऑफ ए आफ्टर स्वैपिंग आपने स्वैप किया है ए की वैल्यू को बी की इक्वल किया है तो बी की वैल्यू क्या थी सेवन ठीक है तो वो ए की वैल्यू बन गई अब दूसरा आपने फिर क्या किया है वैल्यू ऑफ बी स्वैपिंग के बाद बी इज इक्वल टू हुई अब ए की वैल्यू सेवन की इक्वल थी ना तो दूसरी लाइन पर भी जो बी की वैल्यू है वो भी सेवन आ गई ठीक है उसने उसको ए से डोनेट किया और ए चूंका पिछली लाइन पे सेवन बन चुका था इसलिए दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू स्वैप होने के बाद सेवन प्रिंट हो जाएगी तो दिस इज द शॉर्टेस्ट एक्टिविटी शॉर्टेस्ट प्रोग्रामिंग और और भी बहुत सी वीडियोस आप देखते रहें और नेक्स्ट uh, मैं आपको नए एक्सरसाइज यूनिट होकर करूँगी हम स्टेप बाई स्टेप चलेंगे ग्रेजुअली ताकि आपको समझने में आसानी हो सो कीप वॉचिंग थैंक यू सो मच मच्लाहफि